भाभी जी के कटोरी में लाल लाल क्या है? खून है। कानपुर के एक ब्लड बैंक से खून चोरी हो रहा हुआ है। मैं इसे बतौर सबूत अनुवर तिवारी जी को दिखाऊंगा। अंगूरी जी खून पी रही है। तुम्हारी बीवी को ड्रैकुला योनि से जरूर मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें टोनी ब्रिगेंजा की आत्मा को खुश करना होगा। भाभी जी को ठीक कर दीजिए ना प्लीज। गन्ने चाहिए मुझे। ठीक है, दो चार गन्ने हम ले आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। टेम्पो भर के गन्ने चाहिए मुझे। अंगूरी जी सच में खून पी रही है। जहाँ आदमी के साथ में कौन सी सीक्रेट मीटिंग हो रही है। अपने काम से काम रखिए ना गोरी। में इतनी गंदी तो हमें कब कमिश्नर साहब ने न दई। चौबे जी ने पेड़ लगाओ, अमिया खा गए ठलुआ, हप्पू सिंह देखते रह गए, गोरी ले गो पेलुआ। हाँ हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ हम कहा बोल रहे हैं अम्मा जी कि ना कल का काढ़ा जो था ना रात का, वो ना थोड़ा बच गया है। हाँ आप ज्यादा भेज दी थी। हाँ तो हम वो पी ले का। हाँ मंत्र पढ़ लेंगे। हाँ ठीक बा, तो आप भेजिए टिल्लू भैया के हाथ और। हाँ ठीक बा अम्मा जी। हाँ प्रणाम करे हैं। बाय बाय। मैं बिल्कुल सही वक्त आई हूँ। अंगूरी जी खून पी रही है। She's a Dracula. हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, आइए आइए। आ बैठिए। कैसे बा? मैं ठीक हूँ अंगूरी जी, आप कैसी हैं? हम भी ठीक बा। मैंने देखा कि अभी अभी आप खून ये पी रही थी। हाँ ई ना बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा। इससे ना शरीर में बहुत ताकत आता है। अच्छा अच्छा अंगूरी जी, इसको पीने से आपके शरीर में ताकत आती है? हाँ अनीता जी, और जैसे हम ये पीते हैं ना तो एकदम से हमारे शरीर में ना बहुत स्फूर्ति आ जाता है। ओ अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि आप ये खून ये कब से पी रही हैं? कुछ ज्यादा ना ही, शायद एक आध हफ्ता हुआ है। ओ इसका मतलब ये नई नई ड्रैकुला बनी है। अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग। क्या बोली? नहीं, मतलब मैं ये पूछ रही थी कि आपने अभी ये अभी अभी पीना शुरू किया है। आप ही कहाँ लिख रही हैं? ये वो आप इतनी सारी मुझे स्वास्थ्य की बातें बता रही हैं ना, इसलिए वो मैं नोट कर रही हूँ। हाँ ठीक बा। हाँ आप कुछ पूछ रही थी? नहीं बस मैं यही पूछ रही थी कि आपने ये अभी अभी पीना शुरू किया है। हाँ ये ना कहा बताया अनीता जी, शुरू शुरू में तो ना एक स्वाद हमको बहुत बुरा लगता था, बहुत अजीब लगता था, लेकिन अब ना हमको बहुत मीठा मीठा लगता है। अच्छा ये भगवान, इन्हें खून का स्वाद मीठा मीठा लगता है। गॉड शी इज अ डेंजरस ड्रैकुला। अच्छा ये बताइए कि आपको कब लगा कि ये आपको पीना चाहिए? हम अनीता जी को ना ही बताएंगे कि हमको खून का कमी हुआ है। हम अगर बता दिए अनीता जी को तो वो लड्डू के भैया को बता देंगी। उनके बाद लड्डू के भैया परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं हम उनको कुछ ना ही बताएंगे। अंगूरी जी कहाँ हो गई? मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आपको ये पीना चाहिए? हम तो बचपन से ही पीते हैं। इन्हें बचपन से ही खून पीना अच्छा लगता है? इसका मतलब ये बचपन से ही ड्रैकुला है। का कुछ बोल रही हैं का? नहीं मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपको बचपन में ये कौन पिलाता था? हमारी अम्मा पिलाती थी।
Oh my God. अम्मा जी अंगूरी जी को खून पिलाती थी? अच्छा अंगूरी जी, तो अम्मा जी खुद भी पीती होंगी? नहीं नहीं, हमारे अम्मा को तो एक स्वाद ही नहीं पसंद था, लेकिन जब हम जीत करते थे ना तो हमको फिर पिला देती थी। मैं समझ सकती हूँ एक माँ का दिल, उसके बच्चे तो उसे जान से प्यारे होते हैं, अब चाहे वो ड्रैक्यूला ही क्यों ना हो। अब एक माँ से अगर उसकी बच्ची खून पीने की जिद करेगी तो उसकी माँ अपनी बेटी की खुशी में उसे खून भी पिला देगी ना। ओ गॉड। अनीता जी, क्या सोच रही हैं? नहीं अंगूरी जी, बस मैं यही सोच रही थी कि ऊपर वाले की लीला बड़ी निराली है। वो लोगों के साथ कैसी नई नई लीलाएं करता है। अच्छा वैसे ये बताइए कि आपको धूप से डर नहीं लगता? दिया, धूप से काहे डर लगेगा हमको? नहीं मतलब, जैसे आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप धूप में जाएंगी तो आप जल जाएंगी? हाँ हाँ अनीता जी, अच्छा बहुत तेज धूप पड़ता है ना, एकदम ऐसा चिलचिलाता हुआ, तब हमको ऐसा लगता है। अच्छा तो फिर आपका क्या प्लान है आगे? लौकी के कोफ्ते बनाएंगे लड्डू के भैया के लिए। अरे नहीं नहीं, ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ ये खून पीने का, ये पीने का आपका आगे भी प्लान है? हाँ हाँ, ये तो हम बिल्कुल पीते रहेंगे, लगातार पीते रहेंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि आप भी आज से पीना शुरू कीजिए, भरभूति जी को भी पिलाइए, बहुत अच्छी चीज है। प्लीज, मैं नहीं पी सकती। वो नहीं पी सकता, he can't। अरे काहे ना ही पी सकते, उमें कितना भर्तामीन होता है। वो आपका मतलब है विटामिन? सही पकड़े हैं। अब पीजिए आप। आप रुकिए, हम अभी लेकर आते हैं। एक मिनट। आप कहीं मत जाइए। देखिए मैं नहीं पी सकती, मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है, मुझे पीना भी नहीं है, मैं तो मुझे ड्रैक्यूला बनाकर छोड़ेंगी। चुकंदर का रस का सुनकर इतना घबरा काहे गई? हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उसे इतने सारे गन्ने क्यों चाहिए। गन्ने चूसने के लिए उसने मंगाए होंगे, I'm sure। इतने सारे गन्ने चूसे, दो चार गन्नों की बात और थी, पूरा का पूरा टेम्पू चूसेगा? तिवारी जी आप भूल रहे हैं कि वो इंसान नहीं है, वो प्रेत आत्मा है। कम से कम वो एक टेम्पू गन्ने तो चूसेगा ही ना, कम से कम यार। चलिए खैर, हम अंगूरी के लिए तो 100 टेम्पू का इंतजाम कर सकते हैं, बस वो ठीक होनी चाहिए। ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी भाभी जी, कुछ नहीं होगा उनको। अच्छा पैसे निकाल के लाए हैं ना बैंक से? ना, 20-25 हज़ार रुपये निकाल के लाए हैं, एक टेम्पू के लिए तो काफ़ी होंगे ना? आई थिंक हो जाने चाहिए, आई एम श्योर। जी हाँ भाभी जी, आपकी चीज़ लेके आ रही हूँ, बस गली से गुजर रही हूँ, आ रही हूँ, बस पहुँच गया। अब ये कमबख्त अंगूरी को जाके खून देगा और अंगूरी गटागट पी जाएगी। प्लीज, आप तेल लगता है आपका शर्ट, मेरी शर्ट पे। प्लीज, एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप बार बार? आप तिवारी जी डोंट वरी, हमारे पास है ना टोनी ब्रेगेंजा, है ना हमारे पास? हाँ है ना। देखिए टोनी ब्रेगेंजा पे भरोसा रखिए, भाभी जी को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, राइट? ओके राइट। चलिए फिर अब गन्नों का इंतजाम करते हैं, चलिए लेट्स गो। अजी हुजूर। आदाब। आदाब। देखिए गुलफाम के लिए जी, इस वक्त हम आपसे बात ना कर पाएंगे बिकॉज हमें बहुत जरूरी काम के लिए जाना है, लेट्स गो तिवारी। हाँ तो जाइए ना, तो रोका किसने है, लेकिन सबसे पहले आप हमारे 10,000 रुपए दे दीजिए। 10,000? 10,000 किस बात के दे दे? हमारे हारमोनियम और तबले का किराया। 10,000 हारमोनियम तबले का किराया? What are you talking गुलफाम कली जी? हमें इतने में तो नए आ जाते हैं। तो ले लीजिए ना नए, लेकिन अभी हमारे हारमोनियम और तबले का किराया देते जाइए। लेकिन 10,000 तो ये बहुत ज्यादा मांग रही है ना? ये तो बहुत कम है, पता नहीं आपने हमारा हारमोनियम और तबला बजाकर कितने नोट छापे होंगे। देखिए हमने कोई प्रोग्राम पेश नहीं किया है। तो क्या हारमोनियम और तबला किसी की कब्र पर बजाने के लिए लेकर गए थे? ऐसे कुछ समझ लीजिए तिवारी जी, इसको दे दीजिए वरना ये बहुत फैलेगी।
लीजिए ये फिलहाल ये 5,000 पकड़िए, बाकी बाद में देख लेंगे। शुक्रिया हुजूर, लेकिन दे दीजिएगा। जिसको देखो लूटने में तुला हुआ, जिसको देखो। चलिए इंतजाम करें गन्नो, आइए वहां का जा रहे हैं, यहाँ चलिए ना। शरीर को पूरो पानी निकल गो, अरे मोरी मैया मर गो। राम राम है गई हम। राम 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 राम। कारे लोंडो जो बताओ सारे यारो, तुमने कौन कौन सी अंग्रेजी ब्रांड पिल लाए? एक तो ब्लैक डंकी है थी। आओ। और दूसरी टॉमी वॉकर है थी। एक एक तो रेड केबल का ब्रांड है तो है, और एक एंटी ब्यूटी का ब्रांड है तो है, एक सिलेंडर प्राइड है थी, और दूसरी चीटर है थी, चीटर। सारे करवे भूल गो, हमने तो 100 डायपर भी पी थी। तुम लोगों ने कोई ब्रांड छोड़ी भी या नहीं? अरे साहब पीछे बातें कर रहे, जो सारे फुकट गया, जहाँ फ्री को मलिदा मेले पेल जाए, जन्म जन्म के प्यासे हैं सारे। दरोगा जी हमको पता है थी क्या कि ये शराब नकली है? कमिश्नर साहब हम तो बड़े खुश आ रहे थे कि इतने महंगे महंगे ब्रांडन की बोतलें सस्ते में मिल रही थी, और तुम लोग गट गटाते पीते चले गए और यहाँ पर आ गए। और साहब मरते मरते बच गए हम तो। अच्छा एक बात बताओ कि आप लोग ये शराब की बोतलें लाते कहाँ से थे? पता नहीं साहब, एक टेम्पो आता है तो, और वो तुरंत अपनो माल बेच के चले जाते। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि वो कौन कमबख्त है जो जो लोगों की जिंदगियों से खेलता है, और ये नकली शराब बनती कैसे है? अरे अरे साहब बहुत आसान है। अच्छा। अरे कछु नहीं है, गन्ना का रस को लियो और बाको एक हफ्ते तक बढ़िया गड्ढा में गाड़ के सड़ा दो, और जब सारो अच्छी तरह सड़ जाए तो निकारो और बामे थोड़ी सी नौशादर मिला दो, और साहब एक वो आते हुए शराब को कलर, वो कलर भी बाकी अंदर मिला दूँ, और एक सेंट आते हुए बिल्कुल शराब जैसी खुशबू होती है बाकी, बाको भी वही के अंदर मिला दूँ, और अच्छे से सारे के मिला के पतले से कॉटन के कपड़ा से छान लियो बारीक, सो बन गई नकली शराब। अपू सिंह तुम तो ये नकली शराब बनाने की सारी विधि जानते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस रैकेट में शामिल हो? खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, ना ही तो हम भूखे ही सो जाएंगे। पर भाभी जी बड़ा रेलेवेंट गाना गा रही हैं आप, जैसे मौजूदा हालात हैं उनको लेके। ब्लड इज इन द एयर। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, बताइए कैसे हैं? हम एकदम ठीक बा, आप कैसे बा? बस भाभी जी जी रहे हैं और क्या। हमको आप ना कुछ दुबले पतले नजर आ रहे हैं, अब बॉडी में खून वून का कमी हो गया है का? नहीं भाभी जी ऐसी बात तो नहीं है। नहीं नहीं हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ बोल रहे हैं आपको। तो क्या बोल रहे हैं? कि आप ना चुकंदर का रस पीना शुरू कर दीजिए, आपके शरीर में खून बढ़ जाएगा और फिर बहुत मजा आएगा। क्यों नहीं मजा आएगा, आपको तो खून की लज्जत मालूम चल गई है। The taste buds have tasted blood. क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, nothing. एक तो नया शेर लिखे हैं, सुना देखा? सुनाइए, जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। हाँ तो मर्ज किए हैं अभी जी, अर्ज किए हैं। सही पकड़े हैं। हाँ तो अर्ज किए हैं, बाल्टी के ऊपर बाल्टी, अब बाल्टी पर रखा खून। जी आपका शेर भी खून से लथपथ है। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, आगे सुनाइए। अब बाल्टी के ऊपर बाल्टी, अब बाल्टी पर रखा खून, हमें अगर मई तो लड्डू के भैया जून। बहुत खून, बहुत खून। क्या बोले? खून, खून, I got खून।
तेरी माँ मर के देर हो रही हूँ बे। भाभी जी चलता हूँ, खून ही खून है, खून ही खून। बहुत खून कम हो गया है इनके अंदर। हेलो हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? अभी तक तो ठीक थी, लेकिन आपका फोन आया इसलिए थोड़ी घबरा गई हूँ। तो क्या है ना, पुलिस वाले कभी कोई अच्छी खबर सुनाने के लिए फोन तो करते नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शायद अभी भी मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ ये भी आपके लिए कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, क्या खबर है? क्योंकि ये खबर जो है ये आपके पति विभूति नारायण मिश्रा से संबंधित है। विभू से क्या हुआ विभू को? भाभी जी आपने तो सुना होगा या तो पढ़ा होगा कहीं पे कि आजकल शहर में नकली और अवैध शराब का कारोबार काफी फल फूल रहा है। हाँ मैंने पढ़ा है। मुझे ये बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि इस कारोबार में आपके पति और आपके पड़ोसी मनमोहन तिवारी भी शामिल हैं। नहीं 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 कमिश्नर साहब, विभू ऐसा कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट मेरे पड़ोसी तिवारी जी भी ऐसा नहीं कर सकते। आपको कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। देखिए भाभी जी, कानून कभी भी गलत फहमी के बिना पर कभी किसी पे शक नहीं करता। कानून हमेशा सबूतों और गवाहों के आधार पर ही कार्रवाई करता है। आपके पास ऐसा क्या सबूत है? कौन सा गवाह है जिसके बिना पर आप विभू पर ये इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए नकली शराब का जो कारोबार चल रहा है वो शराब बनती है गन्ने से, और ये गन्ना आपके पति और तिवारी बड़ी तादाद में खरीदते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो किसान कह रहे हैं जिनसे ये गन्ने खरीदते हैं। I can't believe this. तो आप अपने पति से पूछिए, आपको इत्तला करना मैंने अपना फर्ज समझा था क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी और संभ्रांत महिला है, वरना अब तक आपके पति और मनमोहन तिवारी दोनों सलाखों के पीछे होते। नहीं 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 कमिश्नर साहब, आप प्लीज मेरी बात सुनिए, ऐसा आप कुछ मत कीजिए। मैं विभू से खुद इस बारे में बात करती हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर विभू इस जुर्म में इन्वॉल्व होगा तो मैं उसे खुद आपके पास लेकर आऊंगी। ठीक है भाभी जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू। थैंक यू। बेबी एक दो कप चाय बनाओ ना यार, बहुत थके हुए हैं और बाहर बहुत गर्मी भी पड़ रही है। बड़ी हॉट। चाय छोड़ो, मुझे खबर मिली है कि आप दोनों बड़ी गन्नों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। भाभी जी को कैसे पता चल गया? क्योंकि तिवारी जी जुर्म लाख छुपा कर किया जाए लेकिन छुपता नहीं। ये गन्ने खरीदना कौन सा जुर्म है यार, कौन सा जुर्म है तिवारी जी गन्ने खरीदना? गन्ने खरीदना जुर्म नहीं है, लेकिन गन्ने खरीद कर उसका गलत इस्तेमाल करना जुर्म है। नहीं भाभी जी, हमने क्या गलत इस्तेमाल किया? भाभी जी हम तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अंगूरी को ड्रैकुला योनी से बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं। अंगूरी जी का गन्ने से क्या लेना देना, क्या संबंध है? संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। बिकॉज टोनी ब्रिगेंसो को गन्ने बहुत पसंद है, लव शुगर केन। टोनी ब्रिगेंसो कौन है? जी वो कब्रिस्तान में एक भटकती आत्मा है। वो जितने भी ड्रैकुलास है, वैम्पायर्स है, नाइट क्रीचर्स है, वो सबका बॉस है। ही इज द बॉस, ही कॉल्स द शॉट्स। फायर्स का बॉस? जी, और उसने वादा किया है कि वो हंगूरी को प्रेत योनि से बाहर निकाल लेगा। और साथ ही साथ उसने हमसे बहुत सारे गन्नों की डिमांड की। जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा मोड़ आएगा कि कब्रिस्तान जाना पड़ेगा गन्ने डिलीवर करने के लिए तिवारी जी। ओ वो नन्ना गन्ना। हमारा सलीम बोल पहुंच गया। हाँ ठीक है, तू यहीं रुक, हम आ रहे हैं। टेम्पो वाला आ गया तिवारी जी, गन्ने लोड करना है। चलिए बेबी तुम चाय रहने दो, वैसे भी तुमसे उम्मीद नहीं थी। लेट्स गो। बाय।
साहब देखिए अंगूरी जी निकल रही हैं। मैंने कहा था ना अंगूरी जी आएंगी। चलिए जल्दी चलिए।